आज हम आपको जांजगीर जिले के बलौदा ब्लॉक के ग्राम रासोटा के एक होनहार बच्चे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने शराब एक श्राप है नामक किताब लिखी है, जिन्होंने बताया कि मेरा भरा पूरा परिवार हंसता खेलता था, जो शराब ने छीन लिया। इस दुनिया में खुशी में शामिल होने वाले लोग आपको हजारों करोड़ों मिल जाएंगे, पर दुख में कोई नहीं। मैं मुख्यमंत्री से गुजारिश करता हूं कि छत्तीसगढ़ में शराब बंद किए जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय निर्मलकर है और मैं जांजगीर चांपा जिले के बलौदा ब्लॉक के ग्राम रसौटा का रहने वाला हूँ। शराब एक ऐसा जहर है जिसे पीता तो एक है लेकिन मरता पूरा परिवार है। मैं हमारे शासन हमारी सरकार पर केस करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ सुनिए। चंद रुपए की चोरी होने पर केस हो सकता है, किसी की बाइक या साइकिल चोरी होने पर केस किया जा सकता है, लेकिन इस शराब ने तो मेरी बचपन की खुशी, मेरे बचपन को ही मुझसे छीन लिया। मेरे भाइयों के मुस्कुराहटों को, मेरे पापा को हम सबसे दूर किया है, हमारे परिवार को ही बर्बाद कर दिया। इस शराब की वजह से हमने कभी जाना ही नहीं कि एक पिता का प्यार क्या होता है। मेरी माँ कितने मुश्किलों का सामना की है। एक वक्त ऐसा भी आया जब मेरे भाइयों मेरी माँ को खाने के लिए तरसना पड़ा। मेरे भाइयों ने कभी अपने बचपन को जिया ही नहीं, सिर्फ दुख दर्द गरीबी ही देखी है। अब आप लोग ही बताइए मुझे, मैं किस पर केस करूँ, हमारे शासन पर, हमारे सरकार पर या उस शराब पर? इन पैसों से कहीं बढ़कर मेरे पापा का प्यार है, मेरे भाइयों की खुशी है, मेरी माँ की मुस्कुराहट है। एक शराब ने हमारी दुनिया ही बदल कर रख दी। क्या हमारा शासन, हमारा सरकार या उस शराब मेरे बचपन को वापस ला सकता है, मेरे भाइयों की खुशी ला सकता है, मेरी माँ की मुस्कुराहट ला सकता है? क्या मेरे पापा के प्यार को हम सब के लिए ला सकते हैं? नहीं ना। मैं मानता हूँ कि शराब मेरे पापा खुद की इच्छा से पीते थे। अब सरकार बोलेगी हम उसको जबरन थोड़ी पिलाते हैं, वो खुद शराब पीता है, अपनी जिम्मेदारी के साथ पीता है। अब आप लोग मुझे बताइए, कोई आदमी जब जहर पीता है या आत्महत्या करता है, तब क्या हमारे डॉक्टर उस इंसान को मरने के लिए छोड़ देते हैं? क्या तू तो मरना चाहता था तो ले अब मर, क्या ऐसा करते हैं? नहीं ना। उस इंसान को अपनी जिम्मेदारी के साथ पूरी इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए उस इंसान को बचाते हैं, न कि हमारे खोखले सिस्टम की तरह। तंबाकू जान लेवा है, गुटखा गुड़ाखू या शराब पीने से आपको कैंसर होता है, आपकी जान जा सकती है, ऐसा लिखने से कुछ नहीं होगा। हमारे शासन हमारी सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, तभी हमारा देश नशा मुक्त हो पाएगा। मैं सिर्फ अपने देश को ही नहीं पूरी दुनिया को नशा मुक्त देखना चाहता हूँ। और मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताकर आपके सामने या पूरी दुनिया के सामने, मैं अपने लाइफ का कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी की कोई रोना नहीं रो रहा हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और परिवार के साथ ना हो, और जिस दुख दर्द तकलीफों से जिन हालातों से मैं गुजरा हूँ उन हालातों से किसी और परिवार को ना गुजरना पड़े। शराब एक श्राप मेरा पहला किताब है, ये मेरी ज़िंदगी है, इस पूरी मेरी ज़िंदगी की कहानी है। मैं चाहता हूँ कि इस कहानी को आप एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। हमारे घर हमारे परिवार में बरसों से ये चला आ रहा है, जब भी कोई मेहमान आता है या जब भी कोई पर्व आता है तो दारू और मांस हम इतने चाय इतने मतलब शौक से खाते हैं। कोई भी आता है तो हम शराब ही क्यों पिलाते हैं? शराब की जगह अच्छे से खिला पिला सकते हैं। दुनिया में इतना कुछ खाने को है, पीने को है, इस शराब में क्या रखा है? बच्चे जो बचपन से अपने घर में देखते हैं अपने माता पिता को शराब गुटखा गुड़ाखू नशा करते हुए, तो ये सब कहाँ सीख पाएंगे? हमें इसे हमारे मतलब हमारे पाठ्यशाला पर पाठ्य पुस्तक पर इस नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बच्चों को हम बचपन से सिखाएंगे तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, कुछ तो असर होगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे पाठ्य पुस्तक पर ये कहानी निःशुल्क आए और इस कहानी को हर कोई पढ़े एक बार। धन्यवाद सर। आप हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के पिता भी हो सर, हमारे परिवार का आप हिस्सा हो और हम आपके बेटे हैं, तो आप ही बताइए सर, क्या बच्चों की जिद करने पर बोतल में शराब जानलेवा है हानिकारक है ऐसा लिखकर आप अपने बच्चों के पास उस बोतल को छोड़ देंगे या फिर उस बोतल का अस्तित्व ही मिटा देंगे? सर आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। सर मैंने आपको एक आवेदन लिखा है, मैं इसे आपसे मिलकर देना चाहता हूँ, और इस आवेदन को देने के लिए मैं बहुत सारी जगह पर गया लेकिन सब यही बोलते हैं कि शराब अगर बंद होगा तो
तो हमारे छत्तीसगढ़ जो है वो लागे में डूब जाएगा, हमारा देश कर्जे में डूब जाएगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हमारा देश का जो नींव है वो शराब की बोतल पर टिका है? क्या नशे पे टिका है? क्या हमारे देश को चलाने के लिए और भी बहुत सारे रास्ते नहीं हैं? सर, ऐसा नहीं है। शराब, एक शराब की वजह से हमारा देश नहीं टिका है, पैसे कमाने के लिए और भी। कट कट कट। मैं हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को ये आवेदन लिखा है कि शराब हमारे छत्तीसगढ़ में जल्द से जल्द बंद हो, और मैं ये पत्र हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं देना चाहता हूँ। और दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप मेरा सपोर्ट कीजिए, और नशे को आप भी छोड़ दीजिए, और इस किताब को आप एक बार ज़रूर पढ़ें, और अपने परिवार और अपने परिवार की खुशियों के लिए इस शराब को छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, नमस्कार।